लिखा है अपने जीवते आप संभाले आप लिए लड़ लाई, ये उस मालिक के हाथ है जिसके नसीब है, जिसके अंदर सच्ची तड़प है, जिसका भाग्य उदय हो गया उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु नासी कर में पाया। हाँ जी, सिमरण दी दात बख्श के अपने लड़ ला बाबा, हो मेरा दासाई है तू। ना सुनो भाई, ये सुख दुख में डालने वाला काल है, तो सतगुरु में दया मेर ही दया मेर करता है। अब किसी का जवान लड़का है, कोई भी नहीं चाहता अब ये मर जाए, दुश्मन भी नहीं चाहते कि वो मर जाता है। काल है, कोई रहम नहीं करता, ये तो संत रहम करते हैं भाई, सिमरन करके तो छुटकारा कर लो, अपने देश चलो, तो उनकी कोई मानता ही नहीं है। हाँ जी, गुरु गोविंद साहब को तत्ते तोम पर बिठा दिया, गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में शीश देना पड़ा, कबीर को हाथियों का डाले है, गुरान साहब से चक्कियां पिसाई है, समस्त की खाल उतार दी, पलटू को जिंदा फूके। जे हम सियाणे होते तो उनसे फायदा उठाते, पर हमने उनको दुख दिया है। हाँ जी, ओ मेरा दासाई है, दासाई है तू, ओ सतगुरु मेरे आ सेवा ते सिमरण मैनू बख्शी, गुरु मेरे आ मेहरा दिया नजरा सतगुरु जिस ते भी कर दे हो, हमारा हाल क्या है, आंख मीते अंदर अंधेरा है, ये मन जाता है विषय विकारों की तरफ। संत मिले, संतों ने सिमरन बताया, हमने मेहनत की, वाणी क्या कहती है, अंधकूप बिख्याते काढ़ियो साक्ष बनाई। ये अंधेरे से निकल के रोशनी में आ गया, गंदगी से निकल के बगीचे में आ गया। संत ये नहीं कहते भी मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी, साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा, जो कोई कहे मोए मुक्त ये झूठा दे विश्वासा। जे लड़का जिंदगी में बी ए एम ए नहीं हुआ तो मर कर कैसे हो जाएगा, ये अनपढ़ मरिया तो अनपढ़ रहेगा, पढ़े लिखे मरे तो पढ़े लिखे रहेगा। जिंदगी में हमने ये काम करना है, हम कमरे से तो बाहर निकल आते हैं, इस शरीर से बाहर निकल कर दिखाओ। कबीर ने लिखा मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। हाँ जी, साइंस ने तरक्की किया, शरीर के सुख वास्ते किया है, जेते सुख संसार के सभी माया जाल। शरीर को तो एन तोड़ के रख दे, मस्ताना जी सारी सारी रात फिरते रहते, कभी मकान बनाने लग जाते, कभी गिराने लग जाते, कभी घरा बनाने लग जाते, उन्हें मन के साथ सत मुकाबला किया है, तब जाके शरीर का प्यार छूटा है, तब जाके वो चीज़ अंदर आई है। शरीर का प्यार कोई छोड़ना नहीं चाहता है, ते मिलता भी कख नहीं। गति पाई हर को नाम सदा सुखदाई, राजसभा में राम नाम सुन
वहां दरबार के अंदर पांडव भी बैठे थे ते कौरव भी बैठे थे ते द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे। बचाया किसने है? लोग ये कहते हैं कृष्ण भगवान ने बचाया। ये वाणी क्या कहती है? करुणा में कहते हैं कबीर को, कबीर चारों जुगों में आया है। सच में उनका नाम सत सुकर था, त्रेता में मृंद्र, द्वापर में करुणा, ये द्वापर में हुए हैं। आम लोगों को पता ही नहीं है। सुनो सारे, सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। ये त्रिलोकी का मालिक काल है। एक दिन गोगड़ आसी रे, तीन लोक और 14 भवन में इस गोगड़ का राज। हाँ आगे, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मुंह खोलकर अमली तौर पर दिखा दिया कि मैं ही काल हूँ, और ये सारी कौरवों की सेना के योद्धा मेरे खाए हुए हैं। लिखा है अहम काल अस्मि, मैं काल हूँ। हाँ जी, संत दयाल द्रोणी बाके कहो कौन को मारा। संत कोई युद्ध नहीं करवाते, उनके पास तो देह देह है। हाँ जी, तो प्रेम का पुंज होता है। हाँ जी, चाहे उसका कत्ल ही हो जाए, उसने कुछ नहीं करना। हाँ जी, असली खुदा का पता तो किसी किसी को होगा। असली खुदा कौन सा है? उत्तर लोक के सिपाही चौथे लोक में है, यूपी के अंदर। तुलसी साहब फकीर हुए, जिनका एक सत्संगी था हृदय। तुलसी साहब हृदय को कहते हैं। सुन हृदय सतगुरु सहदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी, रहता कहा है चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। बंद तीन लोक बापड़ा कैसे तरस लहे, नाम निशान सकल जग ऊपर दादू देखता है। दादू कहता है मैंने देखा है, वो नाम त्रिलोक से पार है। कहो कभी अमरा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। हाँ जी, सारी दुनिया काल की पूजा करती है। हाँ जी, जो हमें खाता है उसी की पूजा करती है। जगत बिना काल का कुछ मुख कुछ गोद, हम सारे काल का खा जाइए। भुने हुए छोले खाते हैं, कुछ जोड़ी में होते हैं, कुछ मुट्ठी में होते हैं, कुछ मुंह में होते हैं, तो सारे काल का खा जाइए। हाँ जी, सारी दुनिया जो त्रिलोकी का स्वामी है उसको खुदा बनाए बैठी है। उसको खुदा बनाए बैठी है। अब किसी को कहेंगे तो हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। वो आगे 84 में जाओगे, नरकों में जाओगे, फिर ठेस नहीं लगेगी? हम तो किसी की निंदा नहीं करते हैं, ये वाणी साफ कह रही है। हाँ जी, जो सतनाम सचखंड है वह चौथे लोक वे अविनाशी है, काल की हुकूमत के अंदर नहीं है। जो उसकी उपासना करता है वह जन्म मरण में नहीं आएगा। पढ़ते हैं चल संसार सतलोक मारे, छोड़ो ये संसार। हाँ जी, बल्कि सदा के लिए मुक्त होकर सतलोक में रहेगा। ओम तक की सृष्टि प्रलय में नष्ट हो जाती है और सोम तक की महाप्रलय में। हाँ, ये त्रिलोक की फना के दायरे में है, ये एक म्याद है, उसके बाद ये नष्ट हो जाती है। बार भी ये भी नष्ट हो जाती है। तो सतलोक पहुंच गया तो फिर इसके दायरे से ऊपर चला गया। हाँ जी, जो सचखंड है वह त्रिलोक की छोड़ भवर गुफा से भी परे है, वहां ना परले जाती है और ना महाप्रलय। अब इस भेद को कोई कोई गुरुमुखी समझता है। आम हालत क्या है? जो इन जीवों को खाता है वे उसी काल को पूछते हैं। वैसे जो अच्छे कर्म करते हैं काल उनको स्वर्ग भी देता है, काल एक मुक्ति भी देता है। 1000 चौकड़ी युग की है, उसके बाद फिर यहाँ आना पड़ता है। हाँ जी, बैकुंठ भी देता है एक खास। ये आदमी सिमरन करे तो सारे तजर्बे हो जाते हैं, सारा कुछ भेद सामने आ जाता है। सिमरन कोई करता नहीं है, कोई कहीं चलता है, कोई कहीं चलता है। हाँ जी, एक खास हद तक मुक्ति भी देता है, क्योंकि उसने 70 युग एक बार और 64 युग एक बार मालिक की भक्ति करके उससे त्रिलोकी का राज स्वर्ग बैकुंठ आदि देश लिए हुए हैं। वह न रूह को मार सकता है और ना ही वह न रूह को बना सकता है और ना ही मार सकता है। रूह अविनाशी है, सतनाम का अंश है, जितने राम की अंश, आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हाँ जी, जितने संत महात्मा और फकीर हुए हैं सभी ने कहा है कि रूह अविनाशी है और सतनाम सचखंड देश के रहने वाली है। हाँ, निर्मल बोलो। अपनी पैज ब
को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई। नर कृपा निध गायो ताको होयो साई, कृपा निध गायो क्या कोई उसका सिमरन किया, हर सिमरन में प्रभाव निरंकारा, जहां मालिक का सिमरन है वहां मालिक आप है, जहां मालिक आप है वहां कोई खतरा नहीं है। हां जी हो जनर जस पड़े शरण आन सब त्याग अंतर प्रकाश अंधिन देवलाग, जे शरण पक्की हो जाए तो अंदर प्रकाश भी हो जाता है, मालिक से लिव भी लग जाती है। बोल पियो राम रस। रस प्यासा कोई जन पियो राम रस प्यासा कोई जन। सुनो भाई, अब जिसको प्यास लगी है वो पानी की तलाश करेगा, और जिसको प्यास ही नहीं है उसको हम कहें भाई ये पानी पी ले तो पानी पी लेगा, वो गल पड़ जाएगा। और जिसको मालिक के मिलने की तड़फ है वो संतों की सुबत करेगा, उनके वचन सुनेगा तो उस पर अमल करेगा। हाँ बाकी इस तरफ आता ही नहीं है। विमले साहब फरमाया करते थे कि लल्लू पंजू डेरे में नहीं बढ़ सकता, जिसके नसीब होंगे वो आएगा। हाँ जी, चाहे वो गरीब ही है नीच नीच सब तर गए, संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। ये अहंकार में फिरती है, किसी को धन का नशा है, किसी को अकल का नशा है, किसी को होदे का नशा है। हाँ जी संतों से पूर्ण लाभ वही उठाता है जो अपनी माया मान बढ़ाई और बुद्धि का गुमान छोड़कर नम्रता से उनके पास आता है, फिर नम्रता सहित उनके वचन सुनता है और उन पर अमल करता है। हम संतों के शोध में आ जाते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं, संत ठीक कहते हैं पर ये मन अमल नहीं करता। हाँ जी घर बासा रे, मन के घर बास।
पियो राम रस प्यासा कोई जन हो। अमृत का हमने नाम सुने है, अमृत फिर देखे, अमृत का स्वाद लिया है, का अमृत पी ले तो आदमी अमर हो जाता है। त्रिलोक में अमृत है ही नहीं ना, अमृत उस नाम के अंदर है। नौनित अमृत पर्व का नाम दे में इसका विश्राम, सिमन करके नाम को पढ़ करोगे उसके अंदर अमृत है, उसके अंदर कीर्तन है। वो कीर्तन सुन लेगा मन काबू आ गया, अमृत की लज्जत आ गई मन काबू आ गया। हाँ ये क्या कहता है, हर अमृत अमृत हर का नाम है, जित पीते तिख जाई। हाँ जित पीते तिख जाई, असाधना खत्म हो जाती है। हाँ जी नानक गुरुमुख जिन पिया तिन भोड़न लगी है। नानक गुरुमुख ये गुरुता का कोर्स करना पड़ता है, जिन पिया भोड़न लगे वो जन्म मन के चक्र में नहीं आता, फिर मालिक का रूप भी बन जाता है। मन मुस्सा पिंगल बया पी पा रहा नाम, मनवा स्थिर शब्द रहता। हाँ जी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता। हाँ अमृत नाम सदा सुख दाता। हाँ जी पी अमृत सब भूख ले जावनी। हाँ सारी भूखें खत्म हो जाती है, सच्चा नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया, संत प्रसाद हर नाम त्याया तब ते मन ताओ तृप्त है। मन के सारे पर कट जाते हैं फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, फिर आदमी पूर्ण है, नहीं तो अधूरा ही, सारे अधूरे हैं। पूरा वो नाम को पढ़ कर लिया मालिक रूप ही बन गया। कबीर जाको कोते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू ब्याह जाको कहता और। हाँ जी बूंद सुंदर मिल गई, ज्योत ज्योत में मिल गई, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पाया। फिर यहाँ भी शोभा है, आगे भी शोभा है, जहाँ जाओ पाकिस्तान में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, अमेरिका में जाओ, कहीं भी जाओ वहीं भी शोभा है। ये असली शोभा है, दुनिया असल को छोटे बैठी नकल में फंसी पड़ी, नकल ने सांस नहीं देना। हाँ जी किसी को माया की लगी है, तो किसी को लीडरी की लगी है, मान बढ़ाई की लगी है, किसी विषय विकारों की लगी है, कि वो महल खड़े करने की लगी है, कि जमीने खरीदने की लगी पड़ी, उल्टी राह पड़ी है दुनिया। हाँ जी इसको चाहिए क्या, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना, फिर क्या करे, ज्यादा से टाइम सिमन पर दे, तो सिमन करे मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, कोई कमी नहीं आती है। ये तजर्बा करके देख लियो, मरने के पास का नया बीज निकलता है, गन्ने का नया बीज निकलता है, चावलों का नया बीज, हम तजर्बा करते हैं, ये भी तजर्बा करके देख लियो। हाँ जी रस प्यासा कोई जन पियो राम रस प्यासा रे, गगन मंडल में अमृत बरसे, गगन मंडल में उन मन के घर बसा रे। उन मन का मतलब क्या है, उन मन के घर बसा रे, ये मन की गमता त्रिलोकी तक है। ये स्थूल दुनिया है, यहाँ स्थूल मन है, सूक्ष्म मनों में सूक्ष्म मन है, कारण मनों में कारण मन है। उत्तर लोक के सिपार चौथे लोक में नाम है, उत्तर लोक के सिपार चौथे लोक में चले गए, अमृत की लज्जत आ गई, उन मन के घर बस सारे। हाँ जी उन मन के घर बस सारे, ये शीश नहीं कटाना, शीश तो बतेरे कटा लेते हैं, गाड़ी के नीचे आते हैं, जहर पी लेते हैं, वहां कर्सी में आ रहा था उसने शरीर कटा लिया। शीश उतारने का मतलब है भाई शरीर से निकल जाना। कबीर ने कहा जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैंठ, मैं पूरा डूबन डरा राह किनारे पैंठ। आदमी की मौत आती है तेरू खिंचती है, तेरू ऊपर चली जाती है, तो जिंदे जी शरीर से निकल जाना है, डरना नहीं है, हम डर जाते हैं, ये जी जिंदा मरना है। दोबारा बोली ओ शिशु तार धरे गुरु चरणा, शिशु तार धरे गुरु चरणा, कर नतन की आ
मरने से डर गया, वो रह गया बस। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैंट, मैं पूरा डूबन रहा किनारे पैंट। हाँ जी, ये सारा कुछ दाव पर लगा ही देना है, ये हमने तो सारा कुछ छोड़ के अंदर जाना ही जाना है। हाँ जी, कमाई करना जरूरी है, बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। श्री का प्यार नहीं छोड़ोगे, दुनिया के ख्याल नहीं करेंगे, अंदर जाओगे कैसे? ये बड़ी रुकावटें तो यही है। हाँ जी, जब संत कहते हैं कि 2.5 घंटे रोज बैठो, मन को ठहराओ, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तुम पलाती मार के बैठो, बैठोगे, बैठना बहुत औखा है। कई तो बैठते हैं, कई कहते हैं जी जाऊंगा, आध घंटा बैठ सकते हैं, बैठ ही नहीं सकते, पर ये धीरे धीरे आदमी बैठने लग जाता है। हाँ जी, मन को ठहराओ, शरीर को सुन करो तो कोई करता नहीं। बोलो, कोई करता है? कोई 2 टाइम रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पी लेता है, 30 मिनट का टाइम आता है, अकड़ जाता है, ईमन मेला एक ना त्याय। हाँ जी, अगर करे तो काम बन जाए, मन संतों का हुक्म मानने नहीं देता। संत ये कहते हैं भी एक एक मिनट की, एक एक सांस की कदर करो। कबीर ने लिखा, कहता हूँ कि जात हूँ क्या, जाऊँ ढोल, स्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। कोई 100 रुपये 1000 रुपये खा जाता है, जमीनों के केस चलते रहते हैं, सारी उम्र ही गुजर जाती है, ये नहीं सोचता भी एक सांस की कीमत तेरे लोग की है। जो तेरे लिखा है मिलना ही मिलना, क्यों झगड़ा करता है? ये दे देता ठीक है, नहीं छड़ो परे, मार को होड़ देगा। हाँ जी, कोई कमी नहीं आती, तुम सिमण करो, परम के सिमण रिद्ध सिद्ध नो निध। हाँ जी, जो जीते जी मरने की कला जानता है, वही केवल परमात्मा को, वही केवल परमात्मा को पा सकता है। जीते जी शरीर से निकलना है, संत ये कोर्स कराते हैं, और वो कुछ भी नहीं करते, किसी चक्कर में नहीं डालते। वो तो कहते हैं सिमरन करके जड़ चेतन की गांठ खोलो, रूहानी मंडलों में चरो। हाँ जी, मरना तो सब नहीं है, सूरमा वो जो जीते जी मर जाए, अंदर जाना जीवित मरना है, बाहर की तरफ तो सभी जाते हैं, भीतर की तरफ कोई सूरवीर जाता है। रास्ता इसके अंदर है, फिरता बाहर है। कबीर ने वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइये भेदी लीजिए साथ, भेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लिखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। हमने जाना है काला माली, और चल पड़ते हैं डब वाली की तरफ, कितने ही दौड़ता भागता जाए दूर ही होता चला जाएगा। ये काला माली की तरफ चलेगा तो घंटे में पहुंचेगा। तो रास्ता तो इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। जिन पाया पेत कलंदर दारा खोजे अपने अंदर दा, उवासी होया मंदर दा, फिर चढ़ जीन लेंदी है, अंदर जाने की कोशिश भी नहीं करता। हमारा सामने लिखा है जो मालिक को बाहर ढूंढता है, अपना कीमती टाइम वक्त बर्बाद करता है। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है, कितनी कितना धोखा हो रहा है, कोई विचार ही नहीं करता। हाँ जी, बाहर की तरफ तो पशु पक्षी सभी जाते हैं, भीतर की तरफ सिर्फ मनुष्य जा सकता है। बाहर के राज के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ते हैं, कितने शोर शराबा होता है, इलेक्शन आता है तो बस काल अपना ही सिमरन कराता है। हाँ जी, अंतर यात्रा सबसे कठिन यात्रा है, चांद पर पहुंचना आसान है क्योंकि वो बाहर की यात्रा है, भीतर की यात्रा कठिन है, जन्मों जन्मों की आदतों के जाल तोड़ने पड़ेंगे, जन्मों जन्मों के बाहर के स्वाद छोड़ने पड़ेंगे। कबीर क्या कहता है, अब दू अंधा दू अंधियारा, कोई जाने का चरणारा, या घट भीतर बन और बस्ती, या घट भीतर झाड़ पहाड़ा, बन भी है बस्ती भी है झाड़ पहाड़ भी है, या घट भीतर सोना चांदी ये में लगी बजारा, या घट भीतर हीरा मोती ये में परकनारा, या घट भीतर अनंत गर्जे बरसे अमृत तारा। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोल सो परम पलाय, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज सो पाए, जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी। गुरुदास ने लिखा, काया अंदर सब कुछ बसे, खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता बसे, सब ना करे प्रतिपाला, काया अंदर नोखंड पृथ्वी हाट पठन बजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। ये पर्दा मन का ही है, मन जीते जग जीते, जो मन का पर्दा हर जे सारा कुछ अंदर आ जाता है। ये बात तो समझाने से कोई समझेगा ही नहीं, ये तो अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा ये बात इस तरह है। भाई गुरुदास ने लिखा है, रोम रोम में रखे ब्रह्मंड कोट सुमारा, रोम रोम में तरलोकी की रचना, अजीब खेल इसके अंदर है। हाँ जी, हाँ बोल। तन की आशा रे करना।
फिर तू बारे मासाओ। भाई उस अमृत की कीमत क्या है? तन मन और तन तीनों कुर्बान करना, तन संतन का, मन संतन का, धन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम त्या सर्व संत दिया। हम संतों को तन दे देते हैं, धन दे देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के काज रास, सेवा करत होई नहीं कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। राजा जनक ने अष्टावक्र से ज्ञान मांगा। अष्टावक्र कहने लगा भाई ज्ञान की दक्षिणा भी होती है। कह जी क्या? कह तन मन और तन। कह जी मैंने आपको दिए। अष्टावक्र स्टेज पर बैठा था, सामने पब्लिक बैठी थी। तो राजा जनक को कहा भाई ये महल ये खजाने मेरे हैं? कहा जी आपके हैं। कि इनकी तरफ ख्याल ना कर। कह नहीं करता। कि ये शरीर मेरा है? कहा जी आपका है। कह इस तरह कर पब्लिक की जुतियों में जाके बैठ जा। तो राजा होके जुतियों में बैठना कोई आसान बात है? पुरानी भक्ति थी, लोक लाज छोड़ के जुतियों में जाके बैठ गया। अष्टावक्र कहने लगा ये मन मेरा है? कहा जी आपका है। कह इससे संकल्प विकल्प ना उठा, मन को अंदर रोक। मन को अंदर रोकया। अष्टावक्र ने तवज्जो दी, रू रूहानी मॉडल में चली गई। कभी राजा को बुलाओ। अब बोले कौन है? बात तो इतनी है, हाँ जी हम ये मन के असत न छोड़ते नहीं है। हाँ जी ऐसा महंगा अमी बिकत है छेर तुबारे है मासारे। यो राम रस प्यासा कोई जन गगन मंडल में अमरत वरसे। छूटे पासारे जो पीवे सो जुग जुग जीवे, जो पीवे जो पीवे सो जुग जुग जीवे। कबीर को क्यों याद करते हैं? गुरु नानक साहब को क्यों याद करते हैं? दादू को क्यों याद करते हैं? पलटू को क्यों करते हैं? मने साहब को, मस्तान को क्यों याद करते हैं? उन्हें नाम को पढ़ के तो याद करते हैं। हाँ जी जो पीवे सो जुग जुग जी। हाँ जी कबू ना होत बिना सारे। सुनो भाई विनाश क्या होना है? आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। जो दुनिया में आएगा तो संत बन के आएगा। हम तो कर्मों के जवाब में फंसे पड़े हैं। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों ही पढ़ते हैं। बल्लभ जलता है उसके ऊपर टाट लपेट दो तो लाइट घूम, रेशमी कपड़ा लपेट दो लाइट घूम। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों पढ़ते हैं। ये वो पर्दे कटेंगे कैसे? कबीर ने देखा सत छुरी से जाल हम कटा। वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो सत की छुरी है। सिमरन करना ये छुरी चलाना है। जो सिमरन करते जाओगे ये कर्मों का जाल कटता जाएगा, अंदर रास्ता मिलता जाएगा। हाँ जी शुरू शुरू में सिमरन करना ये बहुत औखा काम है। हाँ जी जो पीवे सो जुग जुग जीवे, जो पीवे सो जुग जुग जीवे, कबू ना होत बिना सारे, कबू ना होवे बिना सारे। इन रसिकाज भाए निरपयोगी, छोड़ अभोग बिला सारे। बल्क बुखारे का बादशाह था इब्राहिम। वो राजपाट छोड़ के ते कबीर साहब के पास 12 साल सेवा करता रहा। जब चीज़ अंदर आ गई तो एक बार वो नदी के किनारे, दलदला नदी किनारे बैठा गोदड़ी सी रहा था। तो उसका वजीर आ गया। वजीर ने सोचा भी ये लगता तो बादशाह इब्राहिम है,
पर वो फकीरी बाने में था कि उसके पास गया, कहने लगा कि तू बादशाह इब्राहिम है? कि हाँ। कि मैं तेरा वजीर हूँ, तेरा राज मैंने संभाला है, क्या ये अच्छा हो तू मेरा राजा हो मैं तेरा वजीर हूँ? तो चार दिन आराम से काटे। तो वो गोदड़ी सी रहा था सुई से, उसने वो सुई दरिया में फेंक दी, कहने लगा कि तू ये सुई निकाल दे तो मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा। वजीर कहने लगा भाई इतना गहरा पानी चलता है, सुई तो निकालनी मुश्किल है, तू आध घंटे की मोहलत दे, मैं बाजार से हजारों सुइयां ले आता हूँ। कह नहीं, मुझे तो वही सुई चाहिए। कह वह तो मुश्किल है। तो इब्राहिम ने तवज्जो दी, एक मच्छी सुई लेके आ गई। कह मैं तेरी बादशाह को क्या करूँ, मेरे पास ये बादशाही है, जानवर तक मेरा हुक्म मानते हैं, तो ये असली बादशाही है। वो नाम अंदर आ गया, ये दोनों जान की बादशाही है। ये क्या कहता है? इंद्र सरकार इन रसिकाज भाए निरपयोगी छोड़े अभोग बिलासा। ये दुनिया के विषय विकार धन दौलत मान बढ़ाई तो उसको फंसाने के लिए है, ये टेम्परेरी है। ये सोचो जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, टाटा बिरला बन जाए, फिर क्या हो जाएगा? काल ने मिट्टी पीट करके यहाँ से निकालना है। तो नाम की लज्जत आ गई, असली लज्जत आ गई, नाम अंग्रेजा असली बढ़ाई आ गई, असली दौलत आ गई, ये असल को छोटे बैठे नकल में फंसी पड़ी है। बहुत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा, फिर बनता कुछ नहीं है। कि प्राणी तब जागे जमका डंड मूंड पर लागे। हाँ जी, छाना वो संभल के चले। यूपी के अंदर स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, उनके मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। हनुमान साहब ने 13 साल तक रोड़ियों का बिस्तर रखा, गुरु अमरदास ने किडी से केस बांध के अभ्यास किया। एक बार है उस सेवादार महाराज सावन सिंह से कहने लगे, कह जी हमने तुम तो सेवा करते हैं तो हमें बिना सिमरन तार दो। कह भाई ये मुश्किल है, ये सिमरन करना पड़ेगा, सेवा तो सिमरन दोनों करने पड़ेंगे। पंछी दो परों से उड़ता है, एक तरफ का पर काट दे वहीं तरफ के मर जाएगा। सेवा भी करी जाओ तो सिमरन करी जाओ, दोनों करने हैं। हाँ जी, सोई कबीर अभी आसार सोई कबीर अभी आसार गुरु प्रताप कछु एक दादू गुरु प्रताप कछु एक दादू पाए सुंदर दासार पियो राम रस प्यासा कोई जन पियो राम रस प्यासा रे गगन मंडल में अमृत बरसे। कहता है दोबारा बोलियो सुंदर दासा गुरु प्रताप कछु एक दादू पाए सुंदर दासा। सुनो भाई, मालिक के कोई रूप नहीं है, वो तो करंट है, फिर से प्यार कैसे आएगा? तो मालिक संतों के रूप में आता है, साध रूप अपना तन तारिया। वो कहता है तू सिमरन करो, जिस फकीर को अथॉरिटी है उसी रूप में अंदर मिलता है, तो अंदर इसकी संभाल करता है, इसके साथ रहता है। अंदर भी रुकावटें हैं, आगे त्रिकुटी का किला है जहाँ हमारे सतगुरुओं का स्टोर पड़ा है, वहाँ सतगुरु अपनी ताकत से जीव को निकालता है। क्यों? गुरबिन त्रिकुटी छुट सी सहज मिले सुख होए। आगे तिमरखंड है, महासुन सिंध बिस्मी काटी बिन सतगुरु पाव नहीं बाटी। वहाँ तिमरखंड है, वहाँ से कोई नहीं निकल सकता। सतगुरु अपनी जोत से जीव को निकालता है। संतों का स्वरूप है, मालिक का स्वरूप है। दोबारा बोली गुरु प्रताप कछु एक दादू पाए सुंदर दासारे। हाँ, संतों के रूप में मालिक अंदर आ गया, फिर इसको तसल्ली हुई, उसके साथ रह से बातें करता है। वो करण तो बात नहीं कर सकती, वो संतों के रूप में आके इसके साथ रहता है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बारी पढ़ कर ले फिर वो अलग नहीं होता। सज्जन मिले बिछड़ी अंध मिले रहन। हाँ जी, पाए सुंदर दासा रे पियो राम रस प्यासा कोई जन पी।
पियो राम रस प्यासा रे, गगन मंडल में अमृत बरसे, गगन मंडल में उन मन के घर बसा रे, उन मन के घर बसा रे, पियो राम रस प्यासा कोई जन हो। धन सतगुरु तेरे धन धन सतगुरु तेरे सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा, सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा, शरण पड़े की लाज है उसको, शरण पड़े की लाज है उसको, जम से तुझे बचाएगा, सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। दुनिया है चार दिनों की, ये दुनिया है चार दिनों की, जगत मुसाफिर खाना, जगत मुसाफिर खाना, ये देश ना तेरा बंदे, ये देश ना तेरा बंदे। सतगुरु के गुण क्या गाने हैं, सतगुरु को अंदर प्रकट करना है। आगे जब तुम्हारे को अंदर सतगुरु मिलेगा फिर तुमको बहुत खुशी होगी, अंदर सतगुरु मिलेगा तो बहुत खुशी होगी, उस सत्ता तक अंदर आ गई फिर बात क्या रहेगी, सारे काम पूरे हो गए। हाँ जी, उनके ये गुरुमरदास ने लिखा है कि होम वारी जियो वारी अमृत नाम मन सुन, कि उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को उस सतगुरु को अंदर प्रकट करा दिया। हाँ जी, संतों की कदर वो करता है जो सिमरन करता है, बाकी उनको पता ही नहीं बेचारों को। हाँ, ये मन ऐसी बला, ये कहता है कभी तो कहता है भाई ये पूरा संत है, कभी कहता है कौन सा पूरा है, पखंडी है। हाँ जी, जो सिमरन करेगा उसको तसल्लियाँ मिलती जाएगी। हाँ जी, उनके साथ अपनी उम्र गुजारो, ऐसे कहो कि सब सतगुरु का है, अपने आप को गुलाम बनाकर रखो। संत क्या कहते हैं, आठ पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे तारी, मस्ताना सेवा तारी जोड़े चाड़ने वाला, गुलाम बना लिया ना अपने आप को। हाँ जी, तुम्हारा सतगुरु तुम्हें बुला रहा है, उसको पकड़ो, बेकार अपनी उम्र खराब ना करो, बेकार अपना टाइम ना खराब करो। गुरु नानक साहब लिखा है, तंदे तावर जग बद अबूजे ने विचार, जन्म मरण विसारे आ मन मुख मुग्ध गंवार, मूर्ख गंवार है, सारे ही मूर्ख हैं, छाणा तो वह जो सिमरन करता है, मूर्खों का टोला फिरता है उसमें एक छाणा, उसकी कौन पूछता है, मौकी जा। हाँ जी, टुरना फिरना सब लेखे में है, हर वक्त की संभाल रखो। हाँ, ये काल का देश है, इनमें चांस मिला है, कोई छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, नहीं तो आगे फिर चौरासी तैयार है, 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। हाँ जी, हर वक्त दीनता रखनी चाहिए, जिस शैतीर के दीमक लग जाए। सुनो भाई, हर वक्त दीनता रखनी चाहिए, घर में लड़ाइयाँ नहीं करनी, बर्दाश्त करना ये भक्ति है, बर्दाश्त तो कोई बिरला ही करता है, जब कितना ही नुकसान हो जाए बर्दाश्त करे। जिस घर में ये हमारा सावन सिंह के वचन है, जिस घर में भजन सिमरन है, आपस में प्रेम है, वह सब कुछ है। हाँ जी, जिस शैतीर के दीमक लग जाए उसको छत पर नहीं लगाते, इसी तरह काम रूपी दीमक शरीर में हो तो सदगुरु प्रकट नहीं होता। हाँ बोलो।
दुनिया है चार दिनों की, ये दुनिया है चार, जग तू मुसाफिर खाना, जग तू मुसाफिर खाना, ये देश ना तेरा बंदे, ये देश ना तेरा बंदे, तेरा और ठिकाना, तेरा और ठिकाना, खाली हाथ। ये दुनिया है चार दिनों की, ये दुनिया है चार दिनों, जग तू मुसाफिर खाना, जग तू मुसाफिर खाना। अगर आपको कोई कह दे कि अमेरिका में जमीन मुफ्त मिलती है, इन खालसों को कह दो भी अमेरिका में जमीन मुफ्त मिलती है, वहां पहुंचेंगे तो कह दे अंदर अमृत बसता है, उसके लज़्ज़त ले लो तो नहीं। हाँ जी, अगर आपको कोई कह दे कि अमेरिका में जमीन मुफ्त मिलती है तो बहुत लोग घर बार छोड़कर दौड़ जाएंगे। इसके विपरीत अगर संत कहें कि आपके अंदर अमृत है तो कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि शौक नहीं, प्रेम नहीं, वह अमृत जो परमेश्वर ने हर एक आदमी को बख्शा है, इसने पिया तो क्या हुआ। आगे कहते हैं, चलो बस। ये दुनिया है चार दिनों की, जग तू मुसाफिर खाना, जग तू मुसाफिर खाना, ये देश ना तेरा बंदे, ये देश ना तेरा बंदे, तेरा और ठिकाना, तेरा और ठिकाना, खाली हाथ जगत में आया, खाली जगत में आया, हाथ पसारे जाएगा सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। ऐसा मस्त हुआ विषयों में, ऐसा मस्त हुआ विषयों में, जीवन अपना धूल किया, जीवन अपना धूल किया, घेर लिया माया ठगनी ने, घेर लिया माया ठगनी ने, सतगुरु को तू भूल गया, सतगुरु। सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? नाम की कमाई करना। सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? नाम की कमाई करना। हाँ जी, ऐसा मस्त हुआ विषयों में, जीवन अपना भूल किया, जीवन अपना भूल किया, घेर लिया माया ठगनी ने, घेर लिया माया ठगनी ने, सतगुरु को तू भूल गया। ये कबीर ने लिखा है कि मात गर्भ में था तू बंदे कोल गुरु से कीना, हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे दीना, भी माता के पेट में था तेने वादा किया था, भी मालका तू बाहर निकाल तेरी बंदगी करूंगा, अब करता क्यों नहीं है? ये मोह माया का जहर चढ़ गया, परिवार के मुंह में सारी दुनिया डूबी पड़ी है, इत मोह डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरस पार, जब लग मोह मगन संग माई, तब लग धर्म राय देश जाई, ये मोह टूटेगा सिमरन करने से, जो सिमरन करते जाओगे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कटते जाएंगे, ये विषय विकारों का जहर सबके अंदर चढ़ा है, सिमरन करते जाओगे जहर उतरता जाएगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, सारा जहर उतर गया, फिर मालक अंदर आ गया। हाँ जी, ऐसा मस्त हुआ विषयों में, जीवन अपना धूल किया, जीवन अपना धूल किया, घेर लिया माया
ठगणी ने घेर लिया माया ठगणी ने सतगुर को तू भूल गया सतगुर को तू भूल गया सतगुर के दरबार में जाकर मालिक के दरबार में जाकर क्या पूंजी दुख लाएगा ये राम नाम की पूंजी ये इकट्ठी करनी थी हरि धन संचोरे जन पाई सतगुरु सेव रहो सुनाई माई मैं धन पायो हर नाम मन मेरो दावन ते छुटको कर बैठो विश्राम रंद क्या पायो रे नाम रतन धन पायो जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद विस्मयो जिसकी चोरी कबू न हुआ ऐसो धन मन पायो खर्चू लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़त स्वयो किसी गुलामी करने की लोड़ नहीं है वहां का ही सारे काम करेगा हाँ जी खे झगड़े में पढ़ने की लोड़ नहीं है हाँ जी झूठे हैं सब जग के नाते झूठे हैं सब जग के नाते झूठा भेण बराता दुनिया आईनी में फंसी पड़ी है ये रिश्ते नाते ये कर्मों के हिसाब से है जब तक किसी का लेना देना होता है वो साथ होता है लेना देना खत्म है तो कोई किसी का नहीं है बाप बैठा होता है बेटा चला जाता है क्यों लेना देना खत्म हो गया उजाड़ के अंदर दक्कत होता है तो वहाँ पंछी आके बैठते हैं कोई तो रात को पंछी आके बैठते हैं कोई तो बड़ी मीठी बोली बोलता है कोयल बोलती है कोई बड़ी कोड़ी बोली बोलता है काम बोलता है कोई चुपचाप बैठा होता है सुबह हो गई कोई कहीं उठ गया कोई कहीं उठ गया ये कर्मों के हिसाब से हम गृहस्थ में इकट्ठे होते हैं तो कर्मों के हिसाब होता गया कोई कहीं गया कोई कहीं गया जो सतगुरु को पढ़ कर ले वो सच्चा साथी है सच्चा माँ बाप है सच्चा रिश्तेदार है वो अलग होता ही नहीं है फिर सज्जन मेरे ने बिछड़ी अंधे मिले रह हाँ जी झूठे हैं सब जग के नाते कुटुंब कबीला तेरी हान करे ये कुटुंब कबीले ये पक्के दुश्मन है ये आगे चलने नहीं देते दुनिया से उनको मतलब ही नहीं है हाँ जी हम वही जाल तान के बैठे हैं हाँ जी झूठे हैं सब जग के नाते झूठे हैं सब जग के नाते सुनो भाई संतों की दोस्ती सबसे आला दोस्ती है ते संतों की कहना मानना ये सबसे अच्छी करनी है गुरमुखा कर दोस्ती सतगुरु चुन चित जन्म मरण का मूल कटिया सुख और मित गुरमुख प्रीत सदा है सची सतगुरु ते मांगे नाम अजाची नानक कचरिया सुतोड़ टूंढ सज्जन संत पक्या ये जिंदे बिछड़े उमेर जासी छोड़ हाँ जी झूठे हैं सब जग के नाते झूठा भेण बराता झूठा भेण बराता साफ जो तेरे जाने वाला साफ जो तेरे जाने वाला एक सतगुरु का नाता एक सतगुरु का नाता बिन सतगुरु के पागल मनुआ बिन सतगुरु के पागल मनुआ भौ में वो देखाएगा अरे जब तक सतगुरु को प्रकट नहीं करते ये जन्म मन के बंध नहीं छूटते बिन सतगुरु सेवे बोता दुख लागा जो बिचारे फरमाई हाँ जी बिन सतगुरु के पागल मनुआ बिन सतगुरु के पागल मनुआ भौ में वो देखाएगा सतगुरु के गुण गाले बंदे जन्म मरण मुक जाएगा कर्म कांड में उम्र गुजारी कर्म धर्म में उम्र गुजारी प्रीत नाम से लाई नाम प्रीत नाम से लाई नाम ये कर्म धर्म तो जमदूत रास्ते में लूट लेते हैं
कर्म धर्म पाखंड जो दिशा है तिन जम जगाती लूट है। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जिन छूटे। निर्वाण कीर्तन क्या वंदरवा कीर्तन सुनो। हाँ जी, कर्म कांड में उम्र गुजारी, कर्म धर्म में उम्र गुजारी, प्रीत नाम से लाई नाम, प्रीत नाम से लाई नाम, मड़ी मसानी रहा पूजता, मड़ी मसानी। सुनो भाई, ये रामायण में लिखा है, कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम ने सकी नाम गुण गाई। नाम की तारीफ तो राम भी नहीं कर सकता। हाँ जी, मड़ी मसानी रहा पूजता, अंदर जाती पाई ना, अंदर जाती पाई ना, नाम शब्द बिना कहे शमशाना जी, नाम शब्द बिना कहे शमशाना जी, हीरा जन्म गवाएगा सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। धन धन सतगुरु। चलो भाई जाओ प्रसाद। हाँ बोल। बाबा जी के जन्मदिन की लख लख बधाइयां हो। अब प्रसाद को यहाँ डेरे में पहुंचे और खूब धूमधाम से सत्संग मनाए, भंडारा मनाए। धन